माँ हूं, धरती माँ। मेरी आंखों के सामने अनेकों बार सत्य मिथ्या से टकराया है और इस टकराव में मिथ्या सदैव हारा है, सत्य हमेशा जीता है। किंतु विडंबना ये है कि मिथ्या ने सदा यही समझा कि पाला उसी के हाथ रहा। उसने अपनी हार बड़ी सरलता से स्वीकार नहीं की। झूठ को यह ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर सच की ओर होता है, सच के साथ होता है। श्री विष्णु भगवान ने जब भक्त प्रहलाद को पर्वत से गिरकर मरने से बचा लिया और उसे अपनी गोद में संभाल लिया, तो मैं ये सोचकर मुस्कुरा दी कि जब दुष्ट हिरण्यकश्यपु को इसकी सूचना मिलेगी, जब उसे पता चलेगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो उस पर क्या बीतेगी। अशुभ समाचार, अत्यंत अशुभ समाचार। तीन बार मेरा दुष्ट पुत्र, मेरा बैरी मृत्यु के मुख में गया और जीवित बाहर निकल गया। तीन बार, एक बार नहीं, तीन बार। और तीनों बार तुमने उसके मृत्यु का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था स्वर भानु, और तीनों बार तुम असफल रहे, पूर्णतः असफल। भगवान में विश्वास कीजिए, सृष्टि में उससे अधिक घातक विष कोई नहीं। जो मैंने राजकुमार की खीर में घोला था, उसके जीव से छूते ही राजकुमार को दम तोड़ देना चाहिए था। केवल कालकूट ही इससे अधिक प्रभावशाली विष था, जिसे शिव शंकर अंतिम बूंद तक पी चुके थे। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि राजकुमार प्रहलाद बच कैसे गया। वो बच कैसे गया ये मैं नहीं जानता, पर वो अवश्य बच गया ये मैं अवश्य जानता हूं स्वर भानु। वो जीवित है, वो अभी तक जीवित है स्वर भानु, अभी तक जीवित है, अभी तक। वो मेरे ईश्वरत्व को ललकार रहा है, अभी तक उसकी विष्णु भक्ति मेरे ईश्वरत्व का उपहास कर रही है स्वर भानु। भगवान हिरण्यकश्यपु का उपहास केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण स्वर भानु। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार। भगवान चले जाओ, चले जाओ यहां से स्वर भानु, इससे पहले कि मेरा क्रोध तुम्हारे बचे कुचे शरीर को जलाकर राख कर दे। चले जाओ यहां से, मैं एकांत चाहता हूं, एकांत चाहता हूं। हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, आपकी जय हो। क्या है? कामरूप नरेश विप्रचित्ति पधारे हैं। विप्रचित्ति कहाँ है वो? वे आपकी अनुमति की राह देख रहे हैं, उन्हें बुला लूं? नहीं, अरे मूर्ख, वो मेरे बहनों ही हैं, मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा। जय हो भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। तो तुम्हें मेरे भगवान होने का समाचार मिल ही गया विप्रचित्ति? समाचार ही नहीं मिला, हमने आपको भगवान मान भी लिया है। सुंदर, अति सुंदर। पर तुम अकेले आए हो? अकेले नहीं आए भ्राताश्री, मैं भी आई हूँ। प्रणाम भ्राताश्री। सिंगिका मेरी बहन, कैसी हो? आओ, कहाँ थी तुम सिंगिका? जानती हो
आजकल मैं स्वयं को बिल्कुल अकेला पा रहा हूँ। मेरे जीवित रहते हुए यदि मेरा वीरन स्वयं को अकेला पाए तो धिक्कार है मुझे। कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हें देखे हुए कितना लंबा समय बीत गया। मैं तप कर रही थी भ्राताश्री, बहुत कठोर और लंबी तपस्या। तपस्या? किसकी तपस्या कर रही थी तुम? अग्निदेव की तपस्या भ्राताश्री, और उन्होंने मुझे प्रसन्न होकर वरदान भी दे दिया है। सुंदर, अति सुंदर, क्या वरदान मिला तुम्हें? अग्निदेव ने मुझे वरदान दिया है कि अब आग मुझे जला नहीं सकती, मैं अग्नि पर चल सकती हूँ, उसमें रह सकती हूँ, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अत्यंत सुंदर मेरी बहना, अत्यंत सुंदर। और वरदान पाते ही मैंने ये निर्णय किया कि इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन मैं अपने भ्राताश्री भगवान हिरण्यकश्यपु के समक्ष करूंगी, इसीलिए यहाँ मैं आई हूँ। केवल मेरे ही सामने क्यों मेरी बहना? इस चमत्कार को, इस अद्भुत वरदान को तो सारे सामंतों को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि केवल भगवान हिरण्यकश्यपु ही नहीं, उसकी बहन भी महान है, शक्तिशालिनी है। तूने मेरे घर के दीपक द्वारा मेरे घर को फूंकना चाहता, किंतु अब भी समय है, संभल जा, सचेत हो जा, क्योंकि अब मुझे मेरी बहन के रूप में एक ऐसी ज्वाला मिली है जो तेरे देवलोक को, तेरे वैकुंठ लोक को जलाकर भस्म कर देगी। विष्णु, मैं अपने भ्राता श्री हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेकर रहूंगा, लेकर ही रहूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं कमलनयन, हिरण्यकश्यपु की दुष्टता तो अब और भी बढ़ जाएगी, उसके इस खेल में अब उसकी बहन सेका भी सहयोग देगी। हाँ महादेवी, इस कथा में पात्र तो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, अब सेका इस कथा का नया पात्र है। अब ये कथा और रोचक बन जाएगी। परंतु क्या सेका के आने से हिरण्यकश्यपु की शक्ति बढ़ नहीं जाएगी? हो सकता है, पर शक्ति भ्रष्ट करती है महादेवी, और सीमा से अधिक शक्ति तो सीमा से अधिक भ्रष्ट बना देती है। असत्य और अहंकार की शक्ति जितनी बढ़ती है, सर्वनाश उतना ही समीप आ जाता है। महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष जितना ऊंचा होता जाता है उसके गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार अहंकार जितना बढ़ता है उसका अंत होना उतना ही निश्चित होता जाता है। सिंहिका को विश्व याद करेगा, अवश्य याद करेगा, पर वो इसलिए नहीं कि वो शक्तिशालिनी है, वरन इसलिए कि वो हिरण्यकश्यपु को उसके पतन के समीप ले गई। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। प्रणाम कामरूप नरेश। प्रणाम भविश्री। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहन सिंहिका, आप अग्नि में प्रवेश करेंगी और अग्नि का आप पर कोई प्रभाव ना होगा, विश्वास नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या भाभीश्री, आप स्वयं देख लीजिएगा, आप आएंगी ना? ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने वही नहीं आएगा जो अभागा होगा, मैं अवश्य आऊंगी, मुझे तो अभी से संध्या की प्रतीक्षा है।
क्षण भर के लिए मैं इस भय से कांप उठी थी कि कहीं अग्निदेव कोई अनर्थ न कर डाले, परंतु जो हुआ उसे देखकर अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि हम जागते नेत्रों से कोई स्वप्न देख रहे हैं। वास्तव में ये चमत्कार था। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। भाभी श्री, अग्निदेव ने ये अभिवरदान देते हुए मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं कहीं भी और कभी भी अपनी रक्षा के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ। महारानी, क्या आप भूल गए ये सिंगिका किसकी बहन है? भगवान सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु की। भगवान, महारानी सिंगिका के रोमांचक प्रदर्शन को देखने सभी आए, किंतु राजकुमार प्रहलाद नहीं आए। क्या वो इन दिनों गुरुकुल में हैं? हमने तो उन्हें आज तक देखा भी नहीं। किसका नाम ले लिया आपने कामरूप नरेश? किसका नाम ले लिया? भ्राताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रहलाद आपका पुत्र है, उत्तराधिकारी है। पुत्र कहलाने का अधिकार उसने खो दिया है। यदि वह उत्तराधिकारी होता तो राजभवन के स्थान पर कारागार में ना पड़ा होता। कारागार में? विद्रोहियों को और कहां रखा जा सकता है कामरूप नरेश? वो मेरा पुत्र था किंतु अब नहीं रहा। अब वो केवल मेरा अपराधी है, विरोधी है, विद्रोही है, पापी है। मैं कुछ समझी नहीं भ्राताश्री, क्या बात है? कुछ बताइए तो सही, क्यों नहीं रहा वो आपका पुत्र? इसलिए कि वो मुझे भगवान नहीं मानता। तो फिर वो किसे भगवान मानता है? मेरे और मेरी बहन सिंहका के प्राणों से भी अधिक प्यारे भ्राता हिरण्याक्ष के हत्यारे विष्णु को। विष्णु को? हाँ, उसी हत्यारे विष्णु को। ये तो महापाप है। इसी महापाप का तो दंड मिल रहा है उसे, इसी कारण वो कारागार में पड़ा सड़ रहा है। किंतु भैया, यदि वो विष्णु का नाम लेवा है, उसका भक्त है, तब तो हमारे कुल में वो विष्णु का प्रतिनिधि हुआ ना, उसका तो वध कर देना चाहिए। यही करना चाहता था मैं, यही करना चाहता था। मेरे सामंतों ने उसके शरीर पर कटारों की वर्षा कर दी। मुझे विश्वास था कि उसका तन क्षत विक्षत होकर बिखर जाएगा, किंतु ऐसा ना हुआ। उनकी कटारों की धार पलट गई और वो बच गया। फिर मैंने उसे ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे फिकवाया, यह सोचकर कि जब वो ऊपर से धरती पर गिरेगा तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगे।
किंतु एक बार फिर वो बच गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर आप दोनों के आने से पहले मैंने उसके भोजन में विष मिला दिया, ऐसा विष जिसके जीभ छूते ही उसका अंत हो जाता, किंतु ऐसा न हुआ, उस विष का अंत हो गया और वो बच गया। वो अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है वो, और उसका जीवन मेरे इस व्रत को मुंह चढ़ा रहा है। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यपु को मुंह चढ़ा रहा है वो। किंतु कब तक बचेगा वो मेरे प्रकोप से? एक ना एक दिन उसे मरना ही होगा, मेरे इन्हीं हाथों से। वो तो ठीक है भगवान, परंतु प्रहलाद का अंत एक नई समस्या का आरंभ भी तो सिद्ध हो सकता है। कैसी समस्या? आपके उत्तराधिकार की समस्या, आपके सिंहासन के लिए एक युवराज की समस्या। ऐसा नहीं होगा स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। युवराज और इस सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम्हारे पास? मेरी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है? क्या है वो समाधान? समाधान बहुत सरल है भ्राताश्री। इस कुल की मर्यादा के लिए, इस वंश के गौरव के लिए मैं अपने प्राणों से प्रिय भाई को उसके दिए हुए वचन से मुक्त कर दूंगी। नहीं, नहीं, कदापि नहीं, यह असंभव है। मैं अपने दिए हुए वचन से विमुख नहीं हो सकता। क्या कहेगा संसार, क्या कहेगा इतिहास, कि सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को दिया हुआ वचन तोड़ दिया? कदापि नहीं। हे कमलनयन, किस वचन की बात कर रहे हैं ये दुष्ट भाई बहन? महादेवी, अब कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। विधाता भी अद्भुत कथाकार है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वो पात्रों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पुत्र की महानता की कथा में अब नए पात्र प्रवेश कर रहे हैं। पर ये नए पात्र हैं कौन? ये तो आप सिंहिका और हिरण्यकश्यपु के मुख से सुनेंगी, तभी आनंद आएगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये नए पात्र आपके पुत्र प्रह्लाद की महत्ता और बढ़ा देंगे। हिरण्यकश्यपु अपने जिस पुत्र को अपने मार्ग से हटाना चाह रहा है, वही पुत्र उसके लिए और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तनिक सुनिए तो उनका वार्तालाप। भगवान हिरण्यकश्यपु, कोई नहीं कहेगा कि आप अपने वचन से विमुख हो गए। कोई यह भी नहीं कहेगा कि आपने अपना वचन तोड़ दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो वचन क्या था। हाँ प्रताश्री, ठीक कह रहे हैं कामरूप नरेश। ये भेद केवल हम चार जानते हैं, मैं, मेरे स्वामी, आप और भविष्य महारानी कयाधु, कि प्रहलाद आपकी पहली संतान नहीं है। भविष्य कयाधु ने पहले एक पुत्र आह्लाद को जन्म दिया था, जिसे आप लोगों ने मेरे गोद में केवल इसलिए डाल दिया था क्योंकि मैं पुत्रहीन थी, अपने स्वामी को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती थी। इतना महान उपकार केवल आप ही कर सकते थे भगवान। आपने हमें अपना पुत्र भी दिया और ये वचन भी। ये संसार कभी नहीं जान पाएगा कि आह्लाद हमारा नहीं, आपका पुत्र है। मैं तो इसमें भविष्य की महानता को भी मानती हूँ। कौन स्त्री हंस के अपनी कोख से जन्मे हुए पुत्र को किसी दूसरी स्त्री को देगी? और मुझे पुत्र देकर भविष्य ने कभी उसका नाम भी अपने मुख से न लिया। इसलिए मैंने सारी आशाएं प्रहलाद पर लगा रखी थी, सारी आशाएं। यूं तो मुझे तीसरा पुत्र
पहला आदमी मिला, किंतु वो जन्म से ही रोगी है। बड़े बड़े वैद्य ने हार मान ली, किंतु उसके रोग का उपचार न मिला। अब सारा जीवन उसे रोग शैया पर बिताना पड़ेगा। मैं जानती हूं, इसीलिए तो आपको इस वचन से मुक्त कर रही हूं भ्राताश्री। अब आह्लाद कामरूप नरेश भी बनेगा और असुरलोक नरेश भी। मैं तो आह्लाद को तुरंत यहां बुलाना चाहती हूं। किंतु सबसे जटिल समस्या का समाधान क्या होगा? मैं इस दुष्ट प्रहलाद का क्या करूं, क्या करूं? उसे सही मार्ग पर लाने का एक प्रयास मैं भी करना चाहती हूं। मैं उसे मिलना चाहती हूं भ्राताश्री। मैं उसे बताऊंगी कि वो किन अंधेरों में भटक रहा है। मैं उसे कारागार में मिलूंगी, अभी इसी समय। क्या मुझे अनुमति है? तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है बहन। तुम अभी और इसी समय उस दुष्ट से मिल सकती हो। जाओ। माटी, मैं तुम्हारी माता नहीं पुत्र, तुम्हारी बुआ हूं, तुम्हारे पिताश्री की बहन सिंगिका। बुआश्री, प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। आज तो जिसको देखो आप ही का नाम ले रहा था। कारागार के प्रहरी भी आपका यशगान कर रहे थे। सब यही कह रहे थे ये अपने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि ने आपको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाई। जैसे वो अग्नि नहीं शीतल वायु रही हो। मैं आपके दर्शन को व्याकुल था बुआश्री। मैं भी तुम्हें देखने को बहुत व्याकुल थी पुत्र, इसीलिए इतनी रात्रि गए तुमसे मिलने आ गई। मैंने जब इस चमत्कार के विषय में सुना तो मेरा मन किया कि मैं भी ये चमत्कार देखूं, पर मैं तो कारागार में हूँ। कभी तुम्हें भी दिखा दूंगी इस चमत्कार को। ये तो मैं कहीं भी कभी भी दिखा सकती हूँ, परंतु तुम कारागार में क्यों हो पुत्र? आपको नहीं पता मेरे पिताश्री मुझसे रुष्ट हैं। अच्छा, परंतु वो तुमसे रुष्ट क्यों है पुत्र? इसलिए कि मैं उनको भगवान नहीं मानता। अच्छा, तो फिर तुम किसको भगवान मानते हो? मैं उन्हें भगवान मानता हूँ जो भगवान है, वासुदेव, नारायण, श्री भगवान विष्णु। ओह, पर तुम विष्णु के विषय में सब कुछ जानते हो? मैं अपने विष्णु के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं बुआश्री। क्या आपको बताऊँ वो कौन है, क्या है? नहीं पुत्र, मैं विष्णु के विषय में वो सब नहीं जानना चाहती जो तुम बताना चाहते हो। मैं वह बताना चाहती हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या आप क्या बताना चाहती है जो मैं अपने भगवान विष्णु के विषय में नहीं जानता? पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि मेरे और तुम्हारे पिताश्री के एक और भ्राता थे, असुरराज हिरण्याक्ष, तुम्हारे चाचा श्री? हाँ, मैंने सुना है उनका नाम। तुम्हें ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे चाचा श्री का बड़ी निर्दयता से वध कर दिया था तुम्हारे विष्णु ने? वध कर दिया था? किंतु क्यों, क्या किया था मेरे चाचाश्री ने? एक साधारण छोटी सी घटना थी वो, जो निदिन होती रहती है और कोई ध्यान नहीं देता। एक स्त्री का अपहरण किया था उन्होंने। स्त्री का अपहरण? हाँ, धरती का अपहरण किया था उन्होंने। धरती का अपहरण? और आप इसे साधारण और छोटी सी घटना कहती है? तो और क्या, और इसके लिए निर्दयी विष्णु ने उनका वध कर दिया? बुरा ना माने तो एक बात पूछूं बुआश्री। पूछो पुत्र। क्या आपके विचार में स्त्री का अपहरण कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए? बहुत घिनौना अपराध है ये, पाप किया था चाचा श्री ने। चुप रहो पुत्र,
तुम्हें अपने चाचा श्री के विषय में गिरी हुई बात करते हुए लज्जा नहीं आती है? मैं चाचा श्री के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस कार्य के विषय में कह रहा हूँ जो उन्होंने किया था, फिर तो उन्हें दंड ठीक मिला। प्रहलाद, जो बबुल बोता है बुआशी, उसके हाथ काटे जाते हैं, फल नहीं। मेरी विष्णु की यही तो विशेषता है, वो पुण्य करने वालों पर दया करते हैं और पाप करने वालों को दंड देते हैं। वो मानतम न्यायमूर्ति हैं, इसलिए तो मैं उनको ईश्वर मानता हूँ। तो तुम अपना हट नहीं छोड़ोगे? हट होता तो छोड़ देता, पर यह मेरा धर्म है, इसे नहीं छोड़ूंगा। पुत्र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा एक और भाई भी है? हाँ, है लाद, पर वो बेचारा जन्म से ही रोगी है। उसके अतिरिक्त भी तुम्हारा एक बड़ा भाई है, आहलाद। आहलाद? पर किसी ने मुझे उसके विषय में बताया ही नहीं, माताश्री ने भी नहीं। उसका जन्म तुम्हारे जन्म से पहले हुआ था पुत्र। मैं पुत्रहीन थी, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने अपने पुत्र आहलाद को मेरी गोद में डाल दिया और उन्होंने मुझे वचन भी दिया कि उसका नाम भी ना लेंगे। यदि आहलाद यहाँ आ गया तो युवराज तो वही होगा ना, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे अपने विष्णु के भक्ति में जो कुछ मिल रहा है बुआशी, उसके आगे ना कोई सिंहासन का मूल्य है ना राज मुकुट का। विष्णु भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, मुझे उसके अतिरिक्त कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, ये दुख अवश्य है कि मैं भ्राताश्री आह्लाद से मिल नहीं पाया। सिंहासन, मुकुट सब उन्हें मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। भ्राताश्री हिरण्यकशिपु सत्य कहते हैं, तू सचमुच मूर्ख है। अरे तेरे सर पे काल नाच रहा है मूर्ख। नमो भगवती वासुदेवाय। देखा कमलनयन, मेरे पुत्र का अधिक विश्वास। देखा महादेवी, भली भांति देखा। आपके पुत्र के इसी अधिक विश्वास ने तो उसकी कोमल काया में सृष्टि की सारी शक्ति भर दी है। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूँ कमलनयन कि मेरे पुत्र ने जीवन का ये भेद जान लिया है कि जिसके पास आत्मविश्वास की शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मुझे भी गर्व हो रहा है आपके पुत्र पर देवी। वो समस्त संसार को सिर उठाकर चलने और सिर उठाकर जीने का संदेश दे रहा है। संसार को उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ कमलनयन, मेरा पुत्र सारे संसार को ये बता रहा है कि सबसे महान जीवन वही है जिसकी नींव ईश्वर पर उसके विश्वास और प्रेम पर रखी गई हो। जब आप ये सब जानती हैं, तो कभी कभी अपने पुत्र को परीक्षा देते देख घबरा क्यों जाती हैं? वो मेरी विवशता है कमलनयन, ममता मुझे व्याकुल कर देती है। आप ही बताइए, क्या कोई माँ अपने पुत्र को दुख झेलते देख सकती है? मैं जानती हूँ मैं देवी हूँ, किंतु जब किसी माँ को तड़पते देखती हूँ तो मैं भी माँ बन जाती हूँ। तभी तो सारा संसार आपको माता कहकर पुकारता है। आप ममता का भंडार है महादेवी। प्रहलाद तो सत्य में हमारा बैरी है, उसका तो वध होना ही चाहिए। तो तुम भी असफल हो गई। मैं जानता था, भली भांति जानता था कि वो समझाने बुझाने की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। उसके सिर पर विष्णु प्रेम का भूत सवार है, वो किसी के नहीं सुनेगा। तब तो हमें अहलाद को बुलाना ही होगा और उसे युवराज बनाने की घोषणा करनी ही होगी। हाँ, हमें अहलाद को यहाँ बुलाना होगा, परंतु उसके लिए पहले आपको प्रहलाद को कारागार से मुक्त करना होगा। क्या क्या कहा तुमने?
कि मुझे प्रहलाद को कारागार से मुक्त करना होगा, अपने बैरी को मुक्त करना होगा। कारागार से भी और जीवन से भी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूं भ्राताश्री। मैं उसे आहलाद के नाम एक पत्र देकर भेजूंगी और कामरूप में मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। तीन बार मैं ये सुन चुका हूं कि उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु हर बार वो बच जाता है। इस बार नहीं बचेगा, क्योंकि कामरूप में जो मृत्यु का रूप उसकी राह तक रहा है, उससे वो कदापि नहीं बच सकता। मेरा विश्वास कीजिए भ्राताश्री। सिंगिका, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। कामरूप में हमारी नगर के सीमा के बाहर एक भयानक सर्प कुंड है। उसमें संसार के सबसे विषैले सर्प, नाग और अजगर भरे हुए हैं। मेरे आदेश के अनुसार आहलाद दुष्ट प्रहलाद को उस भवन में छोड़ देगा और सर्प देखते ही देखते प्रहलाद को समाप्त कर देंगे। सुंदर, अति सुंदर अश्वमित्र। आज्ञा भगवान। जाओ और प्रहलाद को हमारा आदेश दो कि वो हमारा पत्र लेकर कामरूप जाए और आहलाद को हमारा पत्र पहुंचाए। जाओ। जैसी आ गया भगवान। ये तुम क्या कर रही हो बहन सिंघी का? क्या कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र के लिए मेरे स्वामी की शत्रुता क्या कम थी जो तुमने भी शत्रुता पर कमर कस ली? प्रहलाद कोई पराया नहीं तुम्हारा, तुम्हारी ब्रादर्शी का रक्त है उसकी रगों में। दया करो उस पर। उसकी रगों में हमारा रक्त अवश्य है भावीश्री, परंतु उसके मन में हमारे विचार नहीं, हमारी परंपराओं का आदर नहीं, हमारे कुल का सम्मान नहीं। प्रहलाद हमारी दया का पात्र नहीं। बहन सिंघी का, तुम भी एक नारी हो। हर नारी के पीछे एक माँ छुपी होती है। मैं उसी माँ की दुहाई दे रही हूँ, मेरे पुत्र प्रहलाद को क्षमा कर दो। देखो, मैंने अपने पुत्र अहलाद को तो तुमको सौंप दिया था, कभी उसका नाम भी नहीं लिया, कि तुम ये समझो कि मैं अपने उस पुत्र पर अधिकार जमाना चाहती हूँ। मैंने उसे तो तुमसे नहीं मांगा, मैं तो बस हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि मेरे इस पुत्र, मेरे प्रहलाद को मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो। वो भी तो तुम्हारे पास नहीं, कारागार में पड़ा हुआ है। कारागार में है तो क्या हुआ? मेरे मन को ढाढ़स तो है कि वो जीवित है, कहीं आसपास है। भाभी श्री, ये हमारे कुल के सम्मान और हमारे विश्वास का प्रश्न है। अरे प्रहलाद तो क्या, यदि मेरे कोख से जन्मे हुए ने मेरे भ्राताश्री से विद्रोह किया होता तो मैं उसका भी वध कर देती। बहन सिंघी का, बहन सिंघी का। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आपके लिए भगवान हिरण्यकश्यप का संदेश है। क्या आदेश पिताश्री का लाए हैं आप? आपको ये पत्र लेकर कामरूप जाना होगा। कामरूप, जहाँ मेरे भ्राताश्री आहलाद है? जी हाँ। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं तो समझा था कि मैं अपने भ्राताश्री से कभी नहीं मिल पाऊंगा। कब जाना है मुझे? आज ही, इसी समय। क्या मैं अपने माताश्री से मिल सकता हूँ? जी नहीं, भगवान का आदेश है कि आप कारागार से निकलकर सीधे कामरूप जाएं।
यात्रा की सब तैयारी हो चुकी है, चलिए मेरे साथ। हे कमलनयन, ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो विधाता ने लिखा है, उसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है? परंतु हे दया सिंधु, अब मेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? अब तक आपके पुत्र की रक्षा कौन कर रहा था महादेवी? आपका पुत्र अपने बिछड़े हुए भाई से मिलने जा रहा है, और दो बिछड़े भाइयों का मिलाप एक रोचक दृश्य होता है। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कैसा भाई है ये अहलाद। जिस प्रकार भेड़ियों में पला मानव पुत्र भी भेड़िया बनकर रह जाता है, उसी प्रकार असुरों के बीच रहकर अहलाद भी पूर्ण रूप से असुर बन चुका है। हाँ महादेवी, परंतु जिस प्रकार एक वृक्ष की छाया एक पथिक को कड़ी धूप से बचाती है, उसी प्रकार आपका स्नेह और आशीष प्रहलाद को कठिनाइयों से बचाएगा। आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं करुणा सिंधु, पहले हिरण्यकशिपु, फिर सिंहिका और अब अहलाद, मेरे पुत्र के शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं। महादेवी, जिसके शत्रु बढ़ते जाते हैं वो स्वयं अपनी शक्ति भी तो बढ़ाता जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप अपने स्नेह पर विश्वास रखिए, अपने पुत्र के अडिग विश्वास पर विश्वास रखिए। बैरी सारे सत्य के हैं कितने नादान, क्या कर लेंगे शत्रु जब रक्षक हैं भगवान। रात अंधेरी है मगर मन में है विश्वास, अंधियारा छट जाएगा होगा दिव्य प्रकाश, होगा दिव्य प्रकाश। तो सुने पे चल सुजान विष्णु पुराण।